जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 19063 उधना दानापुर एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी और इस ट्रेन का किराया क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर कार्तिक सोनी जी ने। तो फिर आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 19063 उधना दानापुर एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन गुजरात के उधना जंक्शन से बिहार के दानापुर तक चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में दो दिन हर मंगलवार और शनिवार को उधना जंक्शन से सुबह 8:20 पर चलती है। इस ट्रेन को उधना जंक्शन से दानापुर तक के 1594 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 29 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 16 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए दानापुर पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है उधना जंक्शन से दानापुर तक। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं पर भी चेंज नहीं किया जाता और इस ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा WAP4 होता है, लेकिन इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है प्रयागराज जंक्शन पर। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 8 जनरल क्लास वाले कोच, 8 स्लीपर क्लास वाले कोच, 2 थर्ड एसी क्लास वाले कोच और 1 सेकेंड एसी क्लास वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में जानकारी देता हूं। इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है ₹380। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है ₹645। इस ट्रेन का थर्ड एसी क्लास का किराया है ₹1720। इस ट्रेन का सेकेंड एसी क्लास का किराया है ₹2495। दोस्तों, मैंने ये जो किराया आपको बताया हुआ है, ये किराया उधना जंक्शन से लेकर दानापुर तक है। भारतीय रेल अपना किराया समय समय पर चेंज करता रहता है। नए किराए या फिर लेटेस्ट किराए की जानकारी के लिए आप भारतीय रेल के रिजर्वेशन काउंटर या फिर भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। ये ट्रेन उधना जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले उधना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 से 4 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर दानापुर पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन उधना जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 8:20 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नंदुरबार, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:23 पर पहुँचती है और 10:28 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जलगांव जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:40 पर पहुँचती है और 12:43 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:15 पर पहुँचती है और 1:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट खंडवा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 3:17 पर पहुँचती है और 3:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पाँचवां हॉल्ट इटारसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 5:55 पर पहुँचती है और 6:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का
छठा हॉल्ट पिपरिया, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:06 पर पहुँचती है और 7:08 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट जबलपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 9:45 पर पहुँचती है और 9:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट कटनी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 11:10 पर पहुँचती है और 11:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 9वां हॉल्ट सतना जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:30 पर पहुँचती है और 12:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट मानिकपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 2:30 पर पहुँचती है और 2:32 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 4:45 पर पहुँचती है और 5:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 25 मिनट रुकती है। यहाँ पर लोकोमोटिव रिवर्स किया जाता है इस ट्रेन का। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट ज्ञानपुर रोड, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:29 पर पहुँचती है और 6:31 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट वाराणसी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:12 पर पहुँचती है और 9:22 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट बक्सर, यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:32 पर पहुँचती है और 10:34 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट आरा जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:28 पर पहुँचती है और 11:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां और अंतिम हॉल्ट दानापुर, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:35 पर पहुँचती है। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।